हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी आप देख रहे हैं कि चांद उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा कैसे, अभी मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वशिष्ठ आज साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर साइंटिफिक टॉक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इन साइंटिफिक टॉक्स में मैं आपको लॉजिकली फैक्ट बताऊंगा, डिफरेंट जो मिथ हैं हमारे सोसाइटी में, मैं उनको साइंटिफिकली प्रूव करके बताऊंगा कि वो मिथ हैं और उनका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। चलिए देखते हैं आज जो मिथ फैला है वो क्या है। आज यानी 3 अप्रैल को बात आई कि चांद उल्टा है। हम आपको बताना चाहेंगे, हम अक्सर चांद को इस वे से देखते हैं। मैंने यहां पर अर्थ के अराउंड डिफरेंट पोजिशन पर चांद बनाए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से लाइट फॉल होती है मून के ऊपर, ये हम समझें। ये रेज हैं, सन रेज हैं जो आ रहे हैं फ्रॉम सन, और हमारी पोजीशन अर्थ के ऊपर डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स इंडिया की पोजीशन कहीं है, अमेरिका की कहीं है, इंग्लैंड की कहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चांद ऐसे, तो कहीं ये ऐसे, जिसको हम उल्टा चांद बोल रहे हैं, दिखाई देता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये सन रेज आ रही है। जिस पार्ट के ऊपर सन रेज मून के ऊपर आ रही है वो पार्ट लाइट है, जहां नहीं आ रही वो मैंने डार्क किया है। तो डिफरेंट देखें, यहां देखिए ये पार्ट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो यहां से यदि हम देखें तो हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग यदि कोई इंडिया से यहां देखता है तो उस टाइम चांद की पोजीशन ये। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंगल मैंने बनाए हैं और इसी तरह से आज केवल इन एंगल की वजह से, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पोजीशन की वजह से हमें चांद उल्टा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर।